नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं शांति स्वरूप जी के साथ, जो बहुजन समाज के बहुत बड़े चिंतक हैं। शांति स्वरूप जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अधिकतर बीजेपी को लोग अलग अलग गलत गलत तरीके से बोलते रहते हैं कि बहुजन समाज के लिए काम नहीं करा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस ने बहुजन समाज के लोगों के लिए क्या कार्य करा है, जरा उस पर रोशनी डालें। हमारा समाज, भारतवर्ष का जो सारा उपेक्षित समाज है, संख्या इसकी बहुत ज़्यादा है, मगर इसे हाथी की तरह अपनी शक्ति का आभास नहीं है। हाथी काया से बहुत विशाल होता है, मगर उसकी आँख आदमी से भी छोटी होती है। इसलिए उसको अपने आकार का, अपनी विशालता का कोई परिचय नहीं है। बाबा साहब ने यही देखकर अपने राजनीतिक दल का जो निशान हाथी दिया था, वो इसीलिए दिया था। और जिस दिन ये जाग जाता है, जिस दिन ये अपनी शक्ति का संचय करके जागरूक हो जाता है, उस दिन इसको संभालना बड़ा भारी पड़ता है। तो ये स्थिति आज के बहुजन आंदोलन की है। आज देखेंगे कि बहुजन आंदोलन जो वर्तमान में आया है, ये काल और परिस्थिति की देन है। कांशीराम जी जब इस देश के राजनीतिक पटल पर आए, उससे पहले उन्होंने सामाजिक आधार पर समाज को संगठित करने का काम किया। उस समय क्या था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम की राजनीति करने वाले वो लोग जो रिपब्लिकन पार्टी चला रहे थे, और जिसे बताया जाता है कि बाबा साहब ने कोई स्थापना की थी, टेक्निकली बाबा साहब ने जो एक लेटर लिखा था, एन ओपन लेटर टू द पब्लिक ऑफ इंडिया, तो वो उस लेटर को बाबा साहब की मृत्यु के पश्चात उनके रिपब्लिकन पार्टी नाम से जो संस्था बनाई, उसका घोषणा पत्र बना दिया। मगर टेक्निकली बाबा साहब का वो कंसेप्ट था, मगर स्थापना विधिवत रूप से नहीं हो पाई थी। कांशीराम जी ने अपने जीवन में बड़े सपने देखे रिपब्लिकन पार्टी को लेकर, कि एक शासक जमात बने, शासक गर्दी समाज उसको उर्दू मराठी में कहते हैं। मगर उन्होंने देखा क्या कि एक पार्टी जिसके दूसरे इलेक्शन में जो 1957 में हुआ था, उसमें 13 मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आए थे, और एक स्थिति फिर कहाँ तक पहुँच गई, हमारे नेताओं के पराक्रमहीन आचरण के कारण कि हमारे नेता जो रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष होते थे, उनकी कांग्रेस के प्रतिनिधि के साथ में बैठक हुई, सारे दिन बैठक चली, किस लिए चली कि सीटों का बंटवारा होगा, उन पर निर्णय होगा। कांशीराम लिखते हैं चमचा युग में कि शाम हो चुकी थी, और अंदर से दादा साहब गायकवाड़ जब बाहर निकले, तो लोगों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा युति झाला, यानी कि समझौता हो गया, मराठी में कहते हैं युति झाला। तो लोगों ने पूछा क्या समझौता हुआ, उन्होंने एक उंगली ऐसे कर दी। इसका मतलब यह है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की पूरी पार्टी, जो भारतवर्ष में सारे भारतवर्ष में बड़ी दमदार पार्टी थी, एक सीट के बदले में अब वो अपने कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ नहीं उतारेगी। हमारे आंदोलन को ख़त्म करने का काम जो वर्तमान में बीजेपी के नेतृत्व में चल रहा है, इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की। कांग्रेस ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को खून के आंसू रुलाया। वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को कोई अधिकार न देना चाहती थी, और वो एक अम्बेडकर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहाँ से एक कम्युनल अवार्ड लेकर आए थे, जो अगर ईमानदारी से लागू हो गया होता तो हमारे समाज का भविष्य बड़ा उज्जवल होता, प्रगति पथ पर हमें आगे दौड़ने का एक रास्ता मिलता। मगर कांग्रेस पार्टी के कर्णधार, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे नेहरू जी हों, उस समय वो आज के बीजेपी की भूमिका में थे। कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन, जिन्हों के आचरण के कारण देश के टुकड़े भी हुए, मगर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को गांधी जी ने आमरण अनशन की धमकी दे करके उन्हें मजबूर किया कि तुम मेरे साथ समझौता करो। बाबा साहब के सामने बड़ी विकट स्थिति, इधर कुआं इधर खाई, कि क्या करूं, इधर मेरा समाज, उसके दरिद्रता मुझे दूर करनी है, और इधर ये ढोंगी बाबा जो गुजराती नंगा फकीर, इसकी भी जान बचानी है। षड्यंत्रों की हद देखिए कि इमोशनली ब्लैकमेल करने की भी कोई हद होती है। कस्तूरबा गांधी को बाबा साहब के पास भेजा, कस्तूरबा गांधी बाबा साहब के दादर
स्थित हिंदू कॉलोनी के राजगृह नामक गृह में पहुंची, उनके बंगले पर पहुंची और जाकर के बाबा साहब के सामने अपनी झोली फैलाकर कहने लगी, मेरे सुहाग की भीख दे दो भीमराव, मेरे सुहाग की भीख दे दो। रमा भाई बड़ी उदार थी, उसने भी कहा बाबा साहब से, अरे आपके हाथ में अगर किसी के प्राण बख्शना है तो आप दे दो ना। देखो किसी भी औरत जब वो प्राण की अपने सुहाग की भीख मांगे तो उसको निराश मत करना। बाबा साहब को रमाबाई भी कह रही थी, बाबा साहब को जगह जगह बड़े बड़े भयंकर प्रदर्शन करके उन पर दबाव डाला जा रहा था, सारा मीडिया बाबा साहब के खिलाफ प्रचार करने में लगा था, उनको देशद्रोही कह रहा था, अंग्रेजों का पिट्ठू कह रहा था, अंग्रेजों की कठपुतली कह रहा था, और इधर कांग्रेस के गर्मवादी नेता जो तरह तरह की भूमिका करते हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने खून से लेटर लिख रहे थे कि या तो मान जाओ या तो डॉक्टर अम्बेडकर तुम हमारे महात्मा को प्राण दान दे दो और नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हश्र होगा। बाबा साहब कोई कच्ची गोलियों से नहीं खेले थे, उन्होंने भी निर्णय लिया था ठीक है मैं तुम्हें मरने से बचाऊंगा मगर मैं अपनी संतानों की भी हत्या नहीं होने दूंगा, उनके लिए मुझे कुछ अधिकार चाहिए, मुझे आप उनके लिए अधिकार दीजिए। तो आज ये जो रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है, यद्यपि इसका आविष्कार तो शाहजी महाराज ने कर चुके थे मगर बाबा साहब ने ये रिजर्वेशन का जो अधिकार था उनसे प्राप्त किया, और हमारे घरों में जो चान्ना आया, थोड़ा बहुत जो नौकरी आई, जो हमारे घरों में सुख सुविधा के साधन आए, जो हमें थोड़ा मान सम्मान मिलने लगा, हमें मंच मिलने लगे, हम टीवियों पर छाने लगे, तो इसका कारण खाली बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर थे। उसमें उन्होंने जितनी भी शर्तें दी थी वो दुख उस बात का होता है, दुख ये बताने में होता है कि उस पूना पैक्ट पर सिग्नेचर होने के एक हफ्ते बाद ही उस पूना पैक्ट की धज्जियां उड़ाई जाने लगी, कांग्रेस ने तरह तरह से हमारे ऊपर अत्याचारों की बौछार लगा दी। बाबा साहब का मन विचलित हो गया, कहने ये क्या हुआ, वो पश्चाताप करने की स्थिति में आ गए कि मैंने कैसे घटिया लोगों के साथ समझौता किया, इन्होंने तो मुझे मेरे समाज का भविष्य संवारने का सपना दिखाया था मगर ये तो आज उन सपनों को चूर चूर करने पर आमादा है। बाबा साहेब डॉक्टर ने जब देखा कि जगह जगह हमारे लोगों को कुएं पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, उनकी बारातों पर हमले हो रहे हैं, जगह जगह उनकी हत्याएं हो रही हैं, और जब वो थाने में जाते हैं तो उल्टा उन्हीं को बंद कर दिया जाता है, तो बाबा साहब आजीज आ गए, इस स्थिति से तंग आ गए, तो उन्होंने सारी दुनिया के बुद्धिवादियों को संबोधित करते हुए एक किताब लिखी थी जिसका नाम था व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, इस कांग्रेस ने और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। साथियों उस किताब के प्रकाशित होने से सारी दुनिया में एक मैसेज गया कि डॉक्टर अम्बेडकर ठगा गया, भारतवर्ष के दलित ठगे गए, भारतवर्ष के अछूतों के साथ अनहोनी हो गई, इसलिए कांग्रेस गुस्से में थी। कांग्रेस गुस्से में थी तो उन्होंने क्या किया कि वो व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, ये बाबा साहब का जो अपना प्रेस था पारेल में, दादर के नज़दीक के कॉलोनी पारेल अभी भी है, वहाँ पर किराए की जगह में वो प्रेस चलाते थे, एक रात को सवेरे 5 बजे कांग्रेसी गुंडों ने उस प्रेस पर हमला कर दिया और उस पर आग लगा दी, वहाँ के कर्मचारी जो रात में वहीं काम करते थे वहीं सो जाते थे वो भी अपनी जान बचा के भागे, ये एक बात हुई। उसके बाद जो उस बिल्डिंग का मालिक था उसने बाबा साहब को बुलाया, कहने लगा कि मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं मेरे घर में ये कोई तबाही ना मच जाए, इसलिए मेहरबानी करके मुझे मेरा जीवन दान दे दो और मेरा ये जो मकान है ये आप खाली कर दो और अपना ये प्रेस कहीं और ले जाओ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना पराक्रम से अपने लिए जो गोकुलदास पास्ता मार्ग है बम्बई में, दादर ईस्ट उसको कहते हैं, वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर भवन है, ये जगह उन्होंने प्राप्त की और उसी में वो अपना भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पर उन्होंने शिफ्ट किया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ कहाँ का अचल नहीं हुआ, जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को पहले तो इन्होंने कहा था डॉक्टर अम्बेडकर को हम पार्लियामेंट में जाने नहीं देंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे तो छोड़ो हमने तो खिड़कियों तक पिताला लगा दिए हैं, मगर एक उदार मना महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल जो बंगाल से थे, राजनेता थे, पाकिस्तान का उन्होंने संविधान बनाया था, उन्होंने बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब आप पंजाब से चुनकर आना चाहते हो, वहाँ आपस में लोग लड़ रहे हैं, इस बात पर लड़ रहे हैं कि बाबा साहब लड़ेंगे तो हमारे यहाँ से लड़ेंगे, अगर तुम्हारे यहाँ से लड़ेंगे तो हम
हरा देंगे, यही स्थिति महाराष्ट्र में भी थी। हमारे लोग बाबा साहब को जिताने का श्रेय लेने के लिए लड़ पड़े और बाबा साहब परेशान थे। जब जोगेंद्रनाथ मंडल ने उनको कहा कि आप आओ बंगाल में आओ, खुल्ला की सीट से आओ, हम आपके मुकाबले किसी को खड़ा नहीं होने देंगे, और वहाँ पर बाबा साहब खड़े हुए और उस संविधान सभा में चले गए जिसमें कांग्रेसियों ने कहा था कि हमने दरवाजे तो क्या खिड़कियों में भी ताले लगा दिए हैं। साथियों, बड़ा दिल खट्टा होता है जब इन बातों को हम देखते हैं। जब बाबा साहब पार्लियामेंट के अंदर चले गए, बाबा साहब के पास विद्वता थी, उनकी बड़ी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी कलम थी, जो हजार तलवारों से भी ज़्यादा ताकत रखती थी। पार्लियामेंट जब चले गए तो संविधान लिखे कौन? जैसे तैसे करके संविधान लिखने का काम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के कंधों पर आ गया। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, वो अनुकूल परिस्थिति ना होते हुए भी उस परिस्थिति से जूझ पड़े और संविधान लिखने का काम शुरू कर दिया। उधर कांग्रेस के कुछ षड्यंत्रकारी, वो जो खुलना सीट थी बंगाल की, उसे कहा कि इसने एक बहुत बड़ा अपराध किया है, हमारे विरोधी डॉक्टर अम्बेडकर को चुन के संविधान सभा में भेजा है, हम इस स्थान को, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही पाकिस्तान में मिला देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसे ही हुआ, उधर उन्होंने उस खुलना सीट को पूर्वी पाकिस्तान में मिला दिया, जिसको अब हम बर्मा बांग्लादेश कहते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जब वहाँ पर सीट रद्द हो गई तो पार्लियामेंट की संविधान सभा में मातम छा गया। मातम छाने का कारण ये था, अरे सत्य को स्वीकार करना करवाना हर एक के बस की बात नहीं है। बाबा साहब जिस संविधान सभा में जाने से इन्होंने रोकना चाहा, उसमें थोड़े से समय में ही उन्होंने बता दिया कि इस देश का संविधान अगर लिखा जाएगा तो डॉक्टर अम्बेडकर की कलम से लिखा जाएगा, नहीं तो तुम्हारे पास किसी के ये कुवत नहीं है कि जो इस देश का संविधान लिख सके। उधर बाबा साहब की सदस्यता समाप्त हो गई, जो बाबा साहब को पार्लियामेंट में जाने से रोकने के लिए दिन रात लगे हुए थे, अब उन्हीं की नींद हराम हो गई। अरे संविधान कैसे लिखा जाएगा, कौन लिखेगा और कैसे ये सत्ता हमारे हाथ में आएगी? उन्होंने तुरंत एक इंतजाम किया, उन्होंने एक जयकर, जो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, उन्होंने बंबई से उनकी सीट खाली कराई और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को वहाँ से जिता करके लेकर के संविधान सभा में आए। इसलिए कहते हैं जादू वो जो सर चढ़ करके बोले। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विद्वता का डंका पिट गया। बाबा साहेब जब संविधान सभा में आए तो बाबा साहब ने कहा था, मिस्टर नेहरू से कहा था, कांग्रेस के कर्णधारों से कहा था कि मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी समाज के लिए आप मुझे योजना आयोग का सदस्य बना देना। उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने कहा कि मैं नारी का उद्धार करना चाहता हूँ, नारी की सदियों की गुलामी की बेड़ियों से स्वतंत्र करना चाहता हूँ, आप हिंदू कोड बिल पास करा देना। उन्होंने इतने धूर्त थे कि बाबा साहब को हाँ 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 करते रहे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे और हिंदू कोड बिल लिखवा लिया। और जब हिंदू कोड बिल लिखा जा चुका तो उन्होंने फिर ये एक षड्यंत्र रचा कि नहीं, संविधान बनाने का काम तो ब्राह्मण करेगा, शूद्र के हाथ से नहीं होगा। उन्होंने एक ड्रामा रचा और बाबा साहब को इस मजबूर कर दिया इस बात के लिए कि वो नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दें। बाबा साहब त्याग पत्र देकर चले गए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब त्याग पत्र दिया तो अपने त्याग पत्र में जो इनके ऊपर आरोप लगाए नेहरू सरकार के ऊपर, वो बड़े आँख खोलने वाले हैं। उनसे पता चलता है कि इस कांग्रेस ने, इस नेहरू ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को मरते दम तक खून के आंसू रुलाया था। आज जो वर्तमान सरकार जितने भी दलित विरोधी काम कर रही है, वो पहले बाबा साहब की उपेक्षा करते थे, आज ये बाबा साहब की जिंदाबाद करते हैं, बाबा साहब की जय भीम कहते हैं, बाबा साहब के गले में डालते हैं माला और उनके विचारों पर लगाते हैं ताला। ये उनके भी बाप निकले, ये अब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को बिल्कुल खत्म करके छोड़ेंगे। इसलिए आओ, इससे पहले कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की अस्मिता समाप्त हो जाए, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम इस देश से ये शातिर षड्यंत्रकारी समाप्त कर दें, उससे पहले हम अपने पराक्रम से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति अपने समर्पण भाव से हम दिन और रात परिश्रम करके बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को इस देश में सफल बनाएंगे और इस देश में बहुजन शासन की स्थापना तब तक नहीं हो जाती
तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आपने देखा होगा मौसम कभी बिगड़ता है, कभी सुधरता है, कभी गर्म हवा के थपेड़े आते हैं, कभी शीत लहर चलती है, मगर जीवन चक्र चलता रहता है। राजनीति में जीत और हार कोई मायने नहीं रखती, राजनीति में मायने अपनी विचारधारा रखती है। हम चाहे दो व्यक्ति भी पार्लियामेंट में होंगे, अपनी विचारधारा के लिए लड़ते रहेंगे, शासन और तंत्र की नींद हराम करते रहेंगे। अब दुनिया की पंचायत खुली है, हर एक व्यक्ति वहां जा सकता है। अगर हमको यह लगता है इस देश में अब ईवीएम के नाम पर लोकतंत्र को धता बताया जा रहा है, हमारी न्यायालय में सुनी नहीं जाती, कार्यपालिका में सुनी नहीं जाती, मीडिया हमारी सुनता नहीं, तो फिर हम क्या करें? तो उसके लिए फिर हम वर्ल्ड कोर्ट में जा सकते हैं, हम विश्व न्यायालय में जा सकते हैं, नॉर्वे में जिसका दफ्तर है, जिसका ऑफिस है, जिसका हेडक्वार्टर है, हम वहां जा सकते हैं। मगर किसी भी हाल में हम अपने मुद्दों को दुनिया के सामने लय बगैर रहेंगे नहीं। मैं अपने नेताओं से ये विनती करता हूं, तुम किसी भी पार्टी में रहना मगर सामाजिक मुद्दों को मत छोड़ना। बाबा साहब ने कहा था, तुम जब किसी दूसरी पार्टी में जाओ तो अपनी पार्टी के झोपड़े में आग लगा के मत जाना। क्यों? कि जब तुम्हारे पीठ पर वहां लात पड़ेगी तो इसी झोपड़ी में तुमको शरण मिलेगी। तो आज का जो हमारा दलित नेतृत्व खास तौर से है, जिसको तोड़ने का काम, विभाजित करने का काम कांग्रेस पार्टी से आरंभ हुआ था, उन्होंने क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचे आंदोलन को समाप्त करने के लिए, उन पर जितना भी प्रकाश डाला जाए उतना कम है। आज अब अगर हमारे में दम है तो आज हमें अपने सामर्थ्य से अपने अरमानों को सफल करने का काम करना पड़ेगा। मेरा मान, मेरा अपमान कुछ नहीं है, मेरा लाभ, मेरी हानि कुछ नहीं है, मेरे अपने मुद्दों की कोई प्राथमिकता नहीं है। हाँ, हमारी विचारधारा सफल होनी चाहिए, अपने समाज के बच्चे बच्चे को ये पाठ पढ़ाना है। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हमारा सब संयुक्त स्वार्थ है, हमारा संयुक्त हित ही हमारी सफलता की गारंटी है। हम लड़ेंगे तो सबके हित के लिए लड़ेंगे, हम लड़ेंगे तो सबके सुख के लिए लड़ेंगे। दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर हो, बाबा साहब ने कहा था कि दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना और सामने आ जाए तो उसे कुछ मत समझना। तो साथियों, दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है, षड्यंत्र ये स्थायी होते हैं, षड्यंत्र कभी चिरस्थायी नहीं रहते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, मगर आपको इस परिस्थिति में सकारात्मक रूप से अपने आप को संगठित करना है। और जो परंपरा दलित दमन की परंपरा कांग्रेस के महान नेताओं के हाथों से आरंभ हुई थी, उसको भी फेल करना है और दुनिया के सामने इनका चेहरा नंगा करना है। नहीं, ऐसा नहीं कर पाए तो हम अपने बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, ना उनको न्याय दिला पाएंगे। आज आपने मुझे विचार रखने का एक तुच्छ से प्राणी को अवसर दिया। भाई SM चैनल के सुरेंद्र सिंह जी, आपने मुझ जैसी नाचीज को आज सबके सामने लाने का जो काम किया है, मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ, आपका धन्यवादी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। माननीय श्री घाशीराम साहब ने कहा था, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के लिए कि एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है, इसलिए बहुजन समाज के लोगों को अपनी पार्टी पे ध्यान देना चाहिए, अपनी विचारधाराओं पे ध्यान देना चाहिए, अपने कैडरों पे ध्यान देना चाहिए और बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने के लिए वो कार्य करने चाहिए। SM न्यूज़ से बात करने के लिए सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।